नमस्कार दोस्तों, मैं जय वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके यहाँ अधिक जल भराव हो रहा है, आपके यहाँ नहर का पानी कट जाता है, लंबे समय तक पानी रुका रहता है, तराई क्षेत्र है, तो ऐसे जगहों पर धान की कौन सी वैरायटी लगाई जाए कि उसे उत्पादन बहुत ही बेहतरीन मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो ऐसी बेहतरीन वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका उत्पादन इस प्रकार के क्षेत्रों में बहुत ही जबरदस्त होता है। हम इनकी डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि इसमें कल्लों की संख्या क्या होती है, उत्पादन कितना होता है, इसके बीज दर क्या लगते हैं, कितने दिन में तैयार होता है, तो इन सब की डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप नर्सरी लगाते समय ध्यान नहीं देंगे कि हमें धान को किस जगह पे लगाना है, तराई क्षेत्र में लगाना है जहाँ पे पानी अधिक भरता है, या हमें ऊंचे वाले स्थान पर लगाना है, क्योंकि वैरायटियां इसी प्रकार से होती हैं, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग वैरायटी होती है। अगर आप इस समय ध्यान दे करके सही नर्सरी का चुनाव कर लेंगे, सही बीज का चुनाव कर लेंगे, तो आपको बाद में इससे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसी कोई नर्सरी लगा देते हैं, ऐसे बीज डाल देते हैं जो तराई क्षेत्र में ना हो, जहाँ पर पानी का अधिक भराव होता हो, वहां पर लगाने के बाद वो गल जाए तो दोस्तों आपकी पूरी पूंजी चली जाती है और आप पूरे लॉस में चले जाते हैं। तो अगर आप तराई क्षेत्रों के लिए बीजों का चुनाव करना चाह रहे हैं तो हम जिन बीजों के बारे में बात कर रहे हैं, आप इनके बारे में पूरा बेझिझक होकर के आप निश्चिंत इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये जल भराव वाले क्षेत्र के लिए ही ये बीज है और बहुत ही बेहतरीन इनका उत्पादन होता है। तो दोस्तों, हम जिस वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारी पहली वैरायटी आती है, ये है सेजेंटा कंपनी की फ्रंट लाइन की NK6302। दोस्तों, इन पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनके जो तने होते हैं ये काफी मजबूत होते हैं और यही कारण होता है कि जल भराव वाले क्षेत्र में ये पौधे गिरते नहीं है और खड़े रहते हैं। अगर इनमें बीज दर की बात की जाए कि एक एकड़ में कितना बीज लगता है, तो दोस्तों 6 से 7 kg प्रति एकड़ ये इसका बीज दर होता है। अगर इसमें उत्पादन की बात की जाए किसान भाइयों, तो आपको इसमें उत्पादन 30 से 35 क्विंटल देखने के लिए मिल जाता है। और यहीं पर बात कर लें कि ये कितने दिन में तैयार होता है, तो किसान भाइयों, ये लेट वैरायटी होती है, ये 140 से 45 दिन में तैयार होता है। अगर इसके दानों की बात की जाए कि दानों का साइज क्या होता है, तो ये मध्यम मोटा धान होता है, पर उत्पादन बहुत ही बेहतरीन होता है। चलिए दोस्तों, अब दूसरी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, हम आपको एक बात यहीं पर क्लियर कर दें कि हम किसी कंपनी का प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बस केवल आपको एक जानकारी देने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि जिससे हमारे किसान भाइयों को एक सही और सटीक जानकारी मिलती रहे और वो बीजों का चुनाव करते समय एक सही बीज का चुनाव कर सके। तो इसी कड़ी में जो हमारा दूसरा पसंदीदा तराई क्षेत्रों के लिए धान आता है, वो पान जमुना 804 आता है। ये वैरायटी भी किसानों की बहुत ही पसंदीदा वैरायटी है, क्योंकि दोस्तों इसका उत्पादन बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर उत्पादन की बात करें तो आपको एक एकड़ में 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो है एक इम्प्रूव वैरायटी है और इसमें भी किसी प्रकार के रोगों को देखने को नहीं मिलता है। अगर इसमें अगर रोग लगते हैं तो एक तना छेदक रोग लगता है, तो इसको आप बड़े ही आसानी से रोक सकते हैं। अगर इसके बीज दर की बात की जाए कि एक एकड़ में कितना बीज दर होता है, तो एक एकड़ के लिए दोस्तों 6 से 7 kg प्रति एकड़ बीज दर लगता है। अगर इसमें कल्लों की बात की जाए कि एक बीज से कितने कल्ले हो जाते हैं, तो 13 से लेकर 15-16 कल्ले आपको एक पौधे से देखने के लिए मिलते हैं। इसके एक बाली में आपको 300 दाने से अधिक दाने देखने को मिल जाते हैं और ये भी एक लेट वैरायटी है, 140 से 45 दिन में यह तैयार होता है। और जो इसके दाने होते हैं मध्यम मोटे होते हैं, सिल्की होते हैं, जो खाने में बहुत ही बेहतरीन स्वाद बहुत ही अच्छे होते हैं। मोटा होने के बावजूद भी दोस्तों आप इसे खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और अगर आप बेचना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो बहुत ही बेटर है। दोस्तों, हमने जो दो वैरायटी के बारे में बात की है, ये तराई क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर पानी का अधिक भराव होता है। अगर आप इसे ऐसी जगह पे लगाना चाह रहे हैं जहाँ पर बहुत पानी का भराव नहीं होता है, तो वहाँ पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप टाइम से खाद पानी देते रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे जुड़ी कोई और जानकारी है जो हमसे छूट रही हो, तो हमें आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, हम
जरूर उस पर एक वीडियो डिटेल में लाएंगे। तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और किसान हित में वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें, इससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिलता रहेगा और आप उसका आनंद ले सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।